आपको पता है जब से राम के गुजर रहे हैं, एक बार जिलों की लोकेशन बता दो। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे अजमेर जिला है, कौन सा है, फिर आपसे पूछो अजमेर के ठीक ऊपर इधर कौन सा जिला है, आता ना आपको? इधर नामों के साथ पाली की पौड़ियां लिखी है क्या? उसके बाद में इधर जोधपुर आता है क्या? उसके बाद में बाड़मेर आएगा क्या? बाड़मेर के बाद याद करने की आवश्यकता पड़ी? यानी इधर से अजमेर की पहाड़ियों, उसके बाद नागौर। अगर मैं लोनी नदी की बात ही नहीं कर रहा, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बस तो फिर हो गया काम। यानी इधर से आती है आरामी अवस्था नागपार। नागपार से निकलती है दो धाराएं, कितनी धाराएं? दो धाराएं। एक तो निकलती है सरस्वती, एक निकलती है सागरवती। एक तो सरस्वती, एक सागरवती, दोनों कितनी धाराएं? दो। एक को निकलती है सरस्वती और एक निकलती है सागरवती। सरस्वती और सागरवती दोनों धाराओं के मिलने से क्या होती है? लूनी। और क्या होती है? लूनी। लूनी नदी अजमेर से निकलने के बाद में कहां पे जा रही है? नागौर। तो कहां पे? नागौर। नागौर में बहने के बाद में नदी आ रही है पाली। कहां पे? पाली। पाली में बहने के बाद में नदी आ रही है जोधपुर। जोधपुर के बाद बाड़मेर के बाद जालौर। लास्ट में नदी कहां चली गई? आप सारे में बोले तो कच्छ के मैंने प्रश्न किया आपसे, ये लूनी नदी इधर अरावली के इधर कौन सा रास्ता रहता है? पश्चिमी रास्ता। बोलो कौन सा रास्ता? पश्चिमी रास्ता। आप कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की गंगा। अरे बोलो पश्चिमी राजस्थान की गंगा। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कौन सी नदी है? मैंने कहा मरुस्थल की गंगा कौन सी नदी है? मरुस्थल की गंगा। मैंने कहा पश्चिमी राजस्थान की गंगा लोगे मरुस्थल की गंगा। लवणावती नदी धोनी कोई कहेंगे। कालिदास ने इस नदी को क्या कहा? सलीला। क्या कहा? सलीला। इसी नदी को कहा जाता है मरुद्गुहा नदी। कौन सी नदी? और इसी नदी को कहा जाता है शिकारा नदी। कौन सी नदी? शिकारा। अब मैं कहूँ वागड़ की गंगा। माही। गंगा नाम आप इधर जान गए पूरा। वागड़ की गंगा माही। कांठल की गंगा माही। अशोक की गंगा माही। वागड़ की गंगा माही। कांठल की गंगा माही। वागड़ की गंगा माही। मैंने कहा पश्चिमी रास्ता की गंगा चर्मणवती चंबल। लवणावती लूनी। तो चर्मणवती चंबल। वन की आशा अशु की गंगा। रास्ता का सोम गंगा। रास्ता का सोम गंगा। चलो ठीक है। अंतर जमीना लूनी। राजस्थान की कितनी नदियां जो छह छह जिलों में बह रही है? एक तो चंबल, एक बनास, चंबल बनास लूनी। अब लूनी के छह बिना किसी ट्रिप के आराम से आप याद कर सकते हो। बताओ छह जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, जालौर, ऐसा
तो राजस्थान की दो नदियां ऐसी हैं जिनके किनारों पर दो शहर ऐसे हैं जो नदी का जो तल है ना, नदी का जो बेटा है, नदी जिस तल में बह रही है, नदी की घाटी मानो, नदी का तल मानो, नदी का बेटा मानो, उस लेवल से नीचे है, उस लेवल से नीचे है। जैसे नदी में थोड़ा बहुत पानी बढ़ता है, पानी जैसे ही गिर जाता है तो वहां पे बैठ जाता है। ऐसे दो स्थान है, गंगा नदी के पेड़े में हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ नहीं हनुमानगढ़ जंक्शन, और लूनी नदी के पेड़े में लूनी नदी के पेड़े में बालोद्रा। प्रश्न आया कि नाथ पहाड़ पुष्कर अजमेर में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पे आई? बालोद्रा। ये तो कोई बात होगी, दर्द तो है गधे को और गाली लगा ले उनको, यानी समस्या यहाँ पे बाढ़ यहाँ पे, यानी बात आई इधर हो रही भारी वर्षा और बाढ़ कहाँ पे आ रही? बालोद्रा। क्यों आ रही? याद रखो, यानी बालोद्रा जो शहर है वो नदी तल के बेटे से नीचे है, बाकी में तो नदी का तल का लेवल ठीक है, शहर बाकी ऊपर है, तो यहाँ से पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पे आके बाढ़ के हालात बन जाते हैं। बालोद्रा से एक बात पूरी याद रखिएगा भाई, आप जानते हैं पश्चिमी रेगिस्तान पूरा का पूरा तेजी सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? लवणीयकरण भी है, वो लवणीयकरण केशिकाकर्षण पद्धति के द्वारा ऊपर भी आ जाता है। केशिकाकर्षण पद्धति चिमनी जलाओगे, चिमनी आग को यहाँ जलाते धीरे धीरे तेल पूरी चिमनी का खत्म हो जाता है, यानी जब सतह पर तापमान ज्यादा रहता है तो नीचे वाले लवणीयकरण, नीचे वाले कोई भी कण ऊपर आ जाते हैं, मरुस्थल में लवणीयकरण ऊपर आ जाता है। अब यहाँ तक आते आते नदी में इतना ज्यादा लवणीयकरण इकट्ठे हो जाते हैं कि नदी खाली क्या हो जाती है, यानी बालोद्रा से पहले नदी का पानी रहता है मीठा और बालोद्रा के बाद में, बालोद्रा से पहले नदी का पानी मीठा और बालोद्रा के बाद में। प्रश्न बन गया कि आधी खाली आधी मीठी कौन सी नदी को कहते हैं? आधी खाली आधी मीठी किस नदी को कहते हैं? जरूर की बात प्रश्न भी बन गया। इसकी सहायक नदी से प्रश्न आया कि लूनी की कौन सी सहायक है या नहीं है, ध्यान देना। मैंने कहा लूनी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे ध्यान से देखते हैं नाम लिखा, प्रश्न आएगा लूनी किसकी सहायक है? लूनी। मैंने कहा बुढ़िया किसकी सहायक है? लूनी। पार्टी किसकी सहायक है? लूनी। मेटली किसकी सहायक है? लूनी। जवाई किसकी सहायक है? लूनी। खाली किसकी सहायक है? लूनी। साड़ी किसकी सहायक है? लूनी। और सुगड़ी किसकी सहायक है? लूनी। एक और आता है जोजड़ी किसकी सहायक है? लूनी। जहां भी री आ जाए वो लूनी की सहायक है, री आ जाए केकड़ आ जाए री की, ली री लूनी, ली री मीडली सुगड़ी जोजड़ी बांडी एक आदि को लगा दो, चवाई बोला किसकी सहायक है? और कौन सी? जैसे लीलरी मीठरी बाढ़ी सुखड़ी चोरी, लीलरी बाढ़ी मीठरी सुखड़ी चोरी किसकी सहायक है? एक नदी आई सुकली, सुकली वो पश्चिम बनास की सहायक है, और यहाँ पे आ रही सुकड़ी, सुकड़ी भी तीन है राजस्थान, सुकड़ी तीन है, सुकड़ी तीन में से एक सुकड़ी मिलती है जवाई में, किसमें मिलती है? जवाई में, और बाकी सुकड़ी मिलती है लूनी, लेकिन सारी सुकड़ी जो भी है वो है तो लूनी नदी तंत्र नहीं, इनमें से स्पेशल प्रश्न करेगा लूनी की एकमात्र सहायक नदी। भाई ये लूनी नदी क्यों आ रही है? इसके किनारा कौन सा? दायां किनारा, राइट वन। लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो दायें किनारे से मिलती है जोजड़ी, कौन सी? बाकी तमाम नदियां किधर से मिलेंगी? आप कहेंगे बाएं किनारे से मिलेंगी, किधर से मिलेंगी? बाएं किनारे से, लेकिन एकमात्र सहायक नदी जो किधर से मिलेगी? दायें से। ये रामी पर बता रहे थे आप, लूनी की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम रामी से नहीं होता, जिसका उद्गम रामी से नहीं होता वो कौन सी है? लूनी की ऐसी सहायक नदी जिस
जिसका उद्गम आरंभ से नहीं होता वो कौन सी है? उत्तर आएगा वो है चोचड़ी। बाकी सारी नदियां वो कहां से निकलती है? अब देखो स्पेशल फसल हो क्या है, बाढ़ी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है कहां पे? पाली में। बाढ़ी नदी पर हेमावास बांध कहां पे? पाली में। कोई खास नहीं है, सागी सागी सागर में, सागी सागी सागर में, क्योंकि एक नदी आएगी सापी। कौन सी? आंतरिक प्रवाह की नदियों में पड़े ये है सापी। ये कौन सी है? सागी। तो याद हो गया ना, सागी 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 यानी सागी नाम आ जाए तो सागर में, सागर में बोले तो अरब सागर, अरब सागर में बोले तो रूमी नदी के सागी जा रही है, सागी सागी। और वो है सापी, सापी है वो नहीं आएगी। फसल आ जाए रूमी की सहायक नदी है या नहीं है तो याद कर लेना सापी। इसके बाद में खारी, खारी भी तीन नदी का रास्ता, कितनी है? एक खारी नदी अंतर प्रभाव में आती है, एक खारी नदी गुजराल की पहाड़ियों से निकलती है, बनास डाई खारी होता है त्रिवेणी संगम, एक खारी नाम से आती है जो सिरोही जालौन की पहाड़ियों से निकलती है। तो याद रखना खारी नदी का अगर उद्गम देके पूछा जाए तो आप बता देंगे कि गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस नदी तंत्र का भाग है। आप कह दोगे बनास नदी तंत्र का या बंगाल की खाड़ी का। और जो सिरोही जालौन की पहाड़ियों से निकलती है खारी वो किसका है? वो है अरब सागर का। फिर आपकी सुकड़ी, सुकड़ी नदी पर जालौर में बातली बांध बना हुआ है। सुकड़ी नदी पर जालौर में कौन सा बांध है? बातली बांध बना। कौन सा बांध है? बातली। बाकी जवाई है, ये लोनी की सबसे बड़ी सहायक नदी, लोनी की जितनी भी नदी है इनमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जवाई। जवाई नदी का उद्गम पाली जिले के पाली तहसील के कोरिया गांव से होता है। कहां से होता है? जवाई नदी पे बांध कौन सा बना हुआ है? जवाई बांध। जवाई नदी पे बांध कौन सा बना हुआ है? जवाई बांध। जवाई बांध बना हुआ है और जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं मारवाड़ का? अमृत सरोवर। चिंतन मनन में लागे हो, गांव पूछ के होगे है ना, नींद तो बनाए गांव चले भी होगे।